माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं अक्षता कक्षा 10 से गांधी जयंती के अवसर पर कुछ कहना चाहूंगी। आज 2 अक्टूबर है और न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि विश्व के कई देश 121वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वे बापू नाम से पुकारे जाने लगे। बापू ने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अहिंसा और सत्य के सिद्धांत के दम पर कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया और यही वजह है कि हर साल इसी दिन हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। गांधी जी के 3 आदर्शवादी बंधन थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ये 3 आदर्शवादी बंधन आज की तारीख में उतने ही प्रासंगिक है जितने कल थे और आगे भी रहेंगे। आज के दिन हमें गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम कक्षा 10 के छात्र आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, आगे वाले सुनो, सुनो। पीछे वाले सुनो, सुनो। दाएं वाले सुनो, सुनो। बाएं वाले सुनो, सुनो। आज हम भवंस के विद्यार्थियों की टोली सुनाएंगे आपको एक कहानी। कहानी? कौन सी कहानी? इस कहानी का कोई नाम भी है? कहानी का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? वह इंसान, वह सोच, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी? कौन गांधी? अरे वो गांधी जो हर एक नोटों पर छपा होता है। मैंने तो टीवी पर भी देखा था। गांधी जी वो नहीं है, गांधी जी मुन्ना भाई लगे रहो में संजय दत्त थे। गांधी जी हमारे राष्ट्रपति थे। नहीं नहीं, गांधी जी हमारे राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता को राष्ट्रपति बोलते हैं। मारो इसको, मारो। नहीं नहीं भाइयों, लड़ो मत, लड़ो मत। मुझे नहीं मालूम तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, तुम्हें से कौन सही है और कौन गलत। लेकिन मुझे यह मालूम है कि गांधी जी थे बड़े अमीर। उनके चश्मे पता है कितने महंगे बिकते थे। Oh come on guys, you don't know who Gandhi is? That dude was so stylish. He used to wear clothes made of khadi and wooden slippers. कहीं ये वो तो नहीं जिनके एक गाल पर थप्पड़ लगाने से वह अपना दूसरा गाल भी दे देते थे? कीमत चश्मे की नहीं थी, कीमत थी उनके साहस की। कीमत उस खादी की नहीं, कीमत उस आंदोलन की थी जिसने सारे देश विदेश कपड़े को जला कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की। रघुपति डस्टबिन कहाँ पे है? कहीं पे दिख नहीं रहा है, मैं इधर ही उड़ा देती हूँ। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। अरे यहाँ पे डस्टबिन कहाँ है?
खैर छोड़ो, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। कैसा है सर भाई? बढ़िया। ओ, आज स्वच्छ भारत अभियान और मैंने एक भी सेल्फी पोस्ट नहीं करी। What should I do now? Idea. भैया जी, can I borrow this broom? क्या मैं आपका ये झाड़ू ले सकती हूँ? Thank you. Let me post it now. Hashtag Swachh Bharat. Hashtag Working Hard. Hashtag Favorite Day. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाइयों और बहनों, हम फिर आ गए हैं आप सबसे वोट मांगने। इस बार का वोट हमें ही दे। तालियां तालियां। आप हमें वोट दे, हम आपको नोट देंगे। तालियां तालियां। नल हम लगवाएंगे, आप पानी लाना। तालियां तालियां। स्कूल हम खुलवाएंगे, डोनेशन आप देना। तालियां तालियां। ये क्या चीज है? ये तो हमारे जमाने में नहीं था। अरे गांधी जी का पुतला जिंदा हो गया। ये वो भारत नहीं है जिसका मैंने सपना देखा था। आप सब आपके घरों में से गंदगी हटाने में विश्वास करते हैं, लेकिन समाज की परवाह किया बिना गली में गंदगी फैलाने में कोई संकोच नहीं करते। आप सब व्यक्तिगत रूप से साफ रहते हो, लेकिन राष्ट्र एवं समाज के सदस्यों के तौर पर नहीं। जब तक आप आपके हाथों में बाल्टी और झाड़ू नहीं लेंगे, तब तक आप आपके शहर साफ नहीं कर सकते। मैं किसी को भी अपने गंदे पैरों से मेरे मन में से गुजरने नहीं दूंगा। इंडिया गॉट फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, बट हिज ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया इज स्टिल अनफुलफिल्ड। गांधी जी सेड सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। हिज ड्रीम वॉज टोटल सैनिटेशन फॉर ऑल। हम इसका सदा पालन करेंगे। इरादा कर लिया हमने।